Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों previously हम लोगों ने tissue chapter start किया हुआ था class 9th का, जिसमें कि most of the topics हम लोगों ने cover कर लिए हैं, यानी plant tissue को पूरा cover कर लिया, animal tissue चल रहा है, उसका last type रह गया है, जिसमें हम connective tissue को discuss करेंगे. तो आज का हमारा topic ये रहने वाला है connective tissue. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. अब अगर हम इसका नाम देखें तो नाम से ही हमें ये सजेशन मिल रहा है कि ये किसी ना किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, यानी कनेक्टिव टिश्यू. या तो ये बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, बोन को मसल से भी कनेक्ट कर रहा होता है. बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनकी पैकिंग करनी होती है ताकि उनको कोई भी मूवमेंट के वक्त में चोट ना पहुँचे. तो कुछ ना कुछ कनेक्शन का काम है. और अच्छे से फंक्शन देख लेते हैं इसका. तो मेनली जो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में मिलते हैं उनका काम होता है बाइंडिंग, बांधना. बांधना बताया भाई, बांध रहे हैं तो कनेक्शन ही तो कर रहे हैं. तो बोन का बोन से कनेक्शन कर रहे हैं, मसल से कनेक्शन कर रहे हैं. सपोर्ट करना, जब वो बोन बंध गई हैं, देखा नहीं हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को होल्ड किए हुए रहता है, सपोर्ट किए हुए रहता है. एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारा हार्ट, लंग, किडनी, ठीक है, हमारा ब्रेन, इनकी पैकिंग भी तो करनी होती है भाई. बाहर तो हड्डियों का ढांचा है ना, बाहर तो स्केलेटन है, और अंदर हम बात करेंगे तो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, बहुत बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं. चोट लग सकती है मूवमेंट के दौरान, उछलते कूदते वक्त में. तो कुछ ना कुछ फ्लूइड भर के, कुछ ना कुछ पैकिंग करके बाहर से उसको सेफ रखा जाता है. किसका काम है वो पैकिंग का? कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है. अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल होती है ना, लिविंग होती हैं और नंबर्स में कम होती हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं. और उनके बीच में वही इंटरसेलुलर स्पेस तो होगा सेल के बीच में, उस स्पेस में होमोजेनस मतलब एक जैसा मैट्रिक्स मीडियम भरा हुआ रहता है, ठीक है. मैट्रिक्स होता क्या है? एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो बांध उसमें बीच में सेल्स के बीच में भरा रहेगा और अदर टिश्यूज से बाइंड करेगा. एक मतलब एक सेल को दूसरे से बाइंड करेगा, बीच में सेल के बीच में भरा हुआ है वो प्रोटीन टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है. तो अगर हम बात करें, ये तो थी सेल के बारे में जानकारी. अब कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू भाई टिश्यू क्या है. सेल्स का ग्रुप होता है, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं. तो कौन कौन सी सेल्स मिलती हैं कनेक्टिव टिश्यू के दौरान, ठीक है. तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बात कर लेते हैं फर्स्ट की, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट. यानी कनेक्टिव टिश्यू में इस टिश्यू को फॉर्म करने के लिए एक तरह की सेल होती है जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं. सो दे फॉर्म ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है फाइबर धागे जैसी स्ट्रक्चर की होती है और ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं, बिछी हुई रहती हैं ये. लाइक कॉलेजन, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होती है, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, जिसमें एग्जाम्पल मैंने कॉलेजन लिया है, ये कॉलेजन एक प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, और वी कैन से इन एनिमल वर्ल्ड, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में यही होती है कॉलेजन, जो कि एक फाइब्रोब्लास्ट है, ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. नेक्स्ट बात करें तो एडिपोज टाइप ऑफ सेल होती हैं, दे स्टोर फैट, ठीक है, लिपिड, जो वसा होती है, फैट होती है, उसको स्टोर करता है इन देयर वॉक्यूल्स. ये स्पेसिफिक टाइप की सेल हुई भाई, बॉडी में जो वसा स्टोर हो रही है, जो फैट स्टोर हो रही है, वो एडिपोज सेल्स में होती है, ठीक है, वेरी सिंपल. नेक्स्ट मैक्रो फेज, फेज का जहाँ भी आ जाए, फेज मतलब होता है खाने वाला, किल करने वाला, मैक्रो मतलब बड़ा लेवल होता है, माइक्रो छोटा होता है. तो मैक्रो फेज अब है क्या ये? तो फ्री मूविंग और फिक्स्ड फैगोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेल होती है ना मैक्रोफेज, ये फ्री होती हैं, मूव करती हुई रहती हैं, फ्री हैं तो मूव ही करेंगे, और कभी कभी फिक्स भी मिलती हैं,
एग्जाम्पल में ल्यूकोसाइट, ठीक है, WBCs, RBCs हम लोग पढ़े हुए होते हैं, तो उसका टाइप ल्यूकोसाइट्स और वी कैन से WBCs इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अब मैंने बताया ना ये फेगोसाइट्स या फिर हम मैक्रोफेज बोल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ किल कर रहे हैं, तो WBCs तो सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी को अदर जो फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरसेस जब एंटर हो जाते हैं तो ये WBCs ही तो हैं जो उसको सुरक्षित रखती हैं, उनसे फाइट करती हैं। तो ये वाली सेल ये एक तरह से क्या करती हैं, इन्फेक्शंस वगैरह को दूर रखती हैं, ठीक है, फाइटिंग का काम है इस तरह की करेक्टिव टिश्यू का। इनका काम फैट को स्टोर करने का, ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाने का। नेक्स्ट मास्ट सेल, ठीक है, सो दे सिक्रीट सब्सटेंस सच एज हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट है, हमारा जो ब्लड है वो जमता नहीं है, ठीक है, किसकी वजह से, हेपेरिन प्रोटीन की वजह से। हिस्टामिन है प्रोटीन, पहले हेपेरिन प्रोटीन जो कि एंटी कोएगुलेंट का काम करते हैं, नेक्स्ट हिस्टामिन जो कि वैसोडाइलेटर का काम कर रही है। अब वैसोडाइलेटर कैसे, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना जिसमें ब्लड फ्लो हो रहे हैं उनको थोड़ा सा एरिया उनका बढ़ा देती है, जब एरिया बढ़ जाएगा तो ईजिली जो ब्लड का फ्लो है वो हो पाएगा, ठीक है, तो हिस्टामिन ब्लड के फ्लो को प्रमोट करता है, वैसोडाइलेटर हम लोग उसको एक स्पेसिफिक नेम देंगे। नेक्स्ट सेरोटोनिन, ठीक है, ये भी प्रोटीन है, ये वैसो कंस्ट्रक्टर का काम करता है, यानी कि जो हमारा ब्लड के फ्लो को थोड़ा सा कम करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको थोड़ा सा सिकोड़ देता है ताकि ब्लड फ्लो इजीली ना हो पाए, ठीक है। दे प्रमोट इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फेक्टेड एरिया, जहाँ भी हमारा मतलब कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो जलन होती है मास्ट सेल की वजह से, ठीक है। तो ये चार हैं, चार तरह के कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाली सेल्स हमने देखी। लास्ट वन और देख लेते हैं, इम्यूनोसाइट्स, इम्यून सिस्टम हमारा, ठीक है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो इनमें किस तरह की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, लिम्फोसाइट्स, जो हमारा जिस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उस तरह से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल बोथ प्रोड्यूस एंटीबॉडी फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, किससे होता है, लिम्फोसाइट्स सेल से और प्लाज्मा सेल से, ब्लड में मिलता है ना प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन, तो वो, तो ये क्या काम करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट टाइप आज हम लोग कवर करते हैं यहाँ पर, दैट इज एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो एज द नेम सजेस्ट दे आर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बोलते हैं, इरेग्युलर सेल्स होती हैं इनमें, जैसे कि हमने टाइप्स पढ़े थे अभी कनेक्टिव टिश्यू में, फर्स्ट टाइप था फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट तक की तरह की इसमें मिलेंगी, और जिसमें कोलेजन एग्जाम्पल दिया था हमने। अब सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है तो उसमें मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होता है अगर हम बात करें ये नॉन लिविंग होता है मोस्टली, तो जैसे अगर हम बात करें सॉलिड में, सॉलिड मैट्रिक्स वो मिलेगा बोन में और कार्टिलेज में, ठीक है, कार्टिलेज जो कि सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं हम, और फ्लूड जैसे कि ब्लड में मैट्रिक्स, तो दो तरह के मैट्रिक्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनमें दो तरह का मैट्रिक्स मिलेगा, फर्स्ट वन वाइट कोलेजन फाइबर एंड सेकंड येलो कोलेजन फाइबर। ये जो वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं इनको अगर हम बॉईल करते हैं तो वो जिलेटिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है बॉईल करने पर, एंड येलो कोलेजन फाइबर वी कैन ऑल्सो कॉल देम इलास्टिन, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है जो इन लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं उनके बीच में मिलता है, दोनों तरह के, ठीक है। सम सेल्स एनगल्फ, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल है वो कुछ सेल बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती हैं, निगल लेती हैं, बैक्टीरिया को खा लिया तो प्रिवेंट हो गया इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन नहीं होगा। अब कहाँ मिलेंगी ये,
तो देखो सबसे सिंपलेस्ट होती हैं एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ये हमें मिलने की, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोलर टाइप्स। जॉइन करती हैं स्किन को मसल से, हमारी जो स्किन है इसको हमारी मसल से जॉइन करती हैं। फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन, ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है उसको फिल करती हैं, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है फंक्शन भी। सो एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकिंग, देखा नहीं, हमारे स्किन को मसल से, देखो स्किन तो पैक करने का काम कर रही है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, तो पैकिंग का काम करना, सपोर्ट करने का काम। सोचो स्किन ही ना हो तो इधर उधर फैला हुआ रहेगा मटीरियल। बिटवीन ऑर्गन्स मैट्रिक्स हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है उस तरफ फ्लो होना। तो ये किसके थ्रू होगा भाई, एक सेल से दूसरे सेल में पहुँचाना है, बीच में तो मैट्रिक्स आ रहा है ना, ये हेल्प करता है दोनों तरह के जो मैट्रिक्स हैं। न्यूट्रिशन को भी ट्रांसफ़र करना ब्लड वेसल्स में। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी, ये हेल्प करता है टिश्यू को रिपेयर, अगर हमें चोट लग गई है तो उस वक्त में हमारे जो मरम्मत करने का काम करेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। और फॉरेन टॉक्सिन, देखा नहीं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल को किल करने का काम करता है। इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइन मसल्स, स्किन को यहाँ पर भी वही दे रखा था कि स्किन को मसल से अटैच करने का काम करता है ये। आई होप समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव कवर्ड।